चार साल तो केंद्र सरकार का बहुत धक्का सहा। मैनू एक आम जी कुड़ी नू मेरे ते ओ जुलम किते ने। जे मैं कल्ली दो दो चो चार चार सौ बंदे दियां ओ गल्लां सुन के प्रशासन दे ओ तशद्दुद झल्ली जो 84 दे विच देखी जांदी सी। जे मैं फिर हाँ मैं डोलदी हाँ जो चीज़ां कहीं गई आ घुग्गी वीर जी वालों भी जदों बंदा एक तरह का डिग के उठदा आ वो साड़ी हार नहीं आ वो वड्डी बहुत वड्डी जित आ। जो मेरे तशद्दुद हुंदी मैं भी कितना कितने डोलदी हाँ हजारां बंदियां दे विच मैनू कल्ली नू कल्ला पंजाब च ही नहीं होर स्टेटां च भी मैनू बदनाम किया जांदा सी पर फिर भी मैं खड़ी हाँ। इत्थे तां पूरा पंजाब उठ के खड़ा आ होर स्टेटां भी खड़िया ने। अज जे मोदी नू ये चीज़ लगती आ भी भाई वो ये ऑर्डिनेंस जिहड़े रद्द नहीं करूगा साडे हक सानू नहीं दूगा कल नू सरकारां होर भी आनियां ने। किन्ना समा ये लोग साडे ते राज करदे ने जे मुगल भी इत्थों चले गए ने ते रहने ये भी ने प्यो समान भी ने भरा भी ने भैणा भी बोल चुकी है कि ऑर्डिनेंस से वार वार गल हो चुकी है ना। तो अज मैनू इस गल ते बहुत खुशी भी हो रही है कि होर भी मामा ने आप दे घरों धियां नू बाहर कढ़िया आ और बहुत लंबे समय तो मामा भैणा धियां बाहर निकल रही ने। कल्ला ये नहीं है कि असी दूसरे दियां धियां नू देख के खुश होइए ते आपां कहिए कि बच्चियां आ रही ने आप दियां धियां नू आप दे पुत्तां नू जिद्दां हुण घुग्गी जी आप दे बेटे नू लै के आए अपने भी सारे लै के आओ। ये एक इकट्ठ जिहड़ा किसानी संघर्ष जां मजदूरी ही नहीं है सारे वर्ग दे लई आ। ते जिहड़ियां चीज़ां असी कहने आ भी ऑर्डिनेंस जिहड़ा आ सिर्फ वह रद्द करवाना ही साडा मकसद नहीं आ। आपदा पंजाब होर भी जिहड़े स्टेटां ने उन्हां नू बचाना ये नहीं आ कि साडे ते थोपिया जावे। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे दिंदी हाँ। मैं किसी भी धरने ते जाके आप दे उस मैटर की गल नहीं की सी उस मुद्दे की नहीं की सी। मैं चार साल तो केंद्र सरकार का बहुत धक्का सहा। मैनू एक आम जी कुड़ी नू मेरे ते ओ जुलम किते ने। जे मैं कल्ली दो दो चो चार चार सौ बंदे दियां ओ गल्लां सुन के प्रशासन दे ओ तशद्दुद झल्ली जो 84 दे विच देखी जांदी सी। जे मैं फिर हाँ मैं डोलदी हाँ जो चीज़ां कहीं गई आ घुग्गी वीर जी वालों भी जदों बंदा एक तरह का डिग के उठदा आ वो साड़ी हार नहीं आ वो वड्डी बहुत वड्डी जित आ। जदों मेरे ते तशद्दुद हुंदी मैं भी कितना कितने डोलदी हाँ हजारां बंदियां दे विच मैनू कल्ली नू कल्ला पंजाब च ही नहीं होर स्टेटां च भी मैनू बदनाम किया जांदा सी पर फिर भी मैं खड़ी हाँ। इत्थे तां पूरा पंजाब उठ के खड़ा आ होर स्टेटां भी खड़िया ने। अज जे मोदी नू ये चीज़ लगती आ भी भाई वो ये ऑर्डिनेंस जिहड़े रद्द नहीं करूगा साडे हक सानू नहीं दूगा कल नू सरकारां होर भी आनियां ने। किन्ना समा ये लोग साडे ते राज करदे ने जे मुगल भी इत्थों चले गए ने ते रहने ये भी ने पर अज जिहड़ा साडा पंजाब आ छोटे छोटे बच्चे उठ के खड़े हो गए ने उन्हां दी बहुत वड्डी ये हार आ। हार सिर्फ ये नहीं हुंदा कि कागजी तरीके नाल कितें लियांदी जावे ये बच्चियां अज आ रही ने ये गल कर रही ने और घर घर इदां दियां बच्चियां पैदा होण। आपां सिर्फ ये बच्चियां नहीं देख के कहना आप दियां बच्चियां नूं भी लै के आना करना। और एक चीज़ होर आ जी जिहड़े कानून आपां कह दिंदे आ कानून बारे कई बार आम लोगों नूं नहीं पता हुंदा कि कानून की चीज़ आ। साडे ते कोई भी लागू नहीं कर सकदा कि आ धरना चक सकदे ने ये लोग जां सानू चक के जेलां दे विच बिना गलती तो सुट सकदे ने। बहुत बार साडे ते ये चीज़ां हो जांदियां ने जिद्दां मैं ही आ इक मैनूं तां समझ नहीं आंदी भी मैं 24 घंटे सेवा करदी हाँ कल्ली मैं पंजाब च जां कल्ले जलंधर च नहीं करदी होर स्टेटां च भी कितें तां मैं चल जांदी हाँ बाकी मैं फोन ते मैनेज कर लैनी हाँ मेरी कोई टीम वर्क नहीं आ बाबा नानक ते मैं चले रही दा आ। मैनू घरे बंद करा दिंदा नरेंद्र मोदी भाई मैनू नहीं समझ आती भी मेरे तो उन्हूं की खतरा आ। सिर्फ मैनू यह पता कि मेरा हक की आ जां मैं ग्राउंड ते मैं काम करदी हाँ आम लोगों मैं विचरदी हाँ मैं जानी हाँ साढ़े बिल जिहड़े ओह रद्द करवाउणा नहीं आ। जदों असी एक आम बंदे को जमीन नहीं आ जिहड़ा एक मजदूर आ उहको जमीन नहीं आ कईआं नूं तां मजदूरी भी नहीं मिलदी जदों मैं उहनां नूं देखदी हाँ ते कईआं को सब कुछ हो के भी ओह आश्रमां च बैठे हुंदे ने। सो सानूं साडे हक लैणे आने चाहीदे आ ना तां सानूं सरकारां तों डरना। जे असी अज डर गए
ना प्रशासन तो डरो, तो कभी असी खड़े नहीं हो सकते। जिते जिते भी मोर्चे ने, चाहे वह शंभू मोर्चा आया, चाहे कोई किसानी मोर्चा आया, छोटे तो छोटा भी साडा एक एफर्ट बहुत वड्डे सानू एक जित दवा सकदा। सब तो वड्डी साडी जित की आ, नरेंद्र मोदी ट्विटर ते पंजाबी च ट्वीट करवांदा आ, जित तो मर्जी करवांदा आ, किथे बोर्डा तो ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਚ। ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ मजदूरी, चाहे पंजाब, चाहे किसी भी धर्म, किसी नाल भी मिलने मेरी कोई जात पात नहीं आ, क्योंकि मैं सेवा करती हाँ। मेरे नाना, मैं सरदारा की धी हाँ, मेरे नाना कौर जरूर लगता आ, पर मेरी जात पात नहीं आ, मैं जात पात नहीं चलती। हूँ इंसानियत बहुत वड्डा धर्म आ, जे असी आप दे हक लैने आ, आप दी ये चीज़ां लई करना आ, एकजुट जरूर सानू होना पैना आ। सरकारां गल उ आ गई, इस्तीफे जेब च पा ले आ, इस्तीफे जेब च पा ले आ, वह एक लोक दिखावा वोट बैंक लई, सिर्फ वोट बैंक लई। अज भी जे तुसी ना जागे, अज भी अपनी आने वाली पीढ़ी नूं अगे ना लैके गए, जरूरी नहीं आ वह पार्टी जिहड़ी देख के भाई इस पार्टी दे विच जिहड़ा वह ये पार्टी ही मोहरे है, ये ते चलो अकाली दल, चाहे जिहड़ी मर्जी पार्टी होवे जी, बीजेपी। बहुत सारे लोगों ने उस समय वोट आपकी बेच देनी आ, आपका जमीर जागदा रखो, गोडे टेकन नालों चीज लहाना मंजूर आ। जे मैं एक कल्ली कुड़ी ने आपके गोडे नहीं टेके तो इन्हें कितों टेक लैणगे। ये केंद्र सरकार नूं पता होना चाहिए भी गोडे नहीं ये पंजाब दे टेक सकते ने। तो तुसी ये गल मेरी सारे नूं दो हाथ जोड़ के बेनती आ, जे ये सरकारां साडियां नहीं मानदियां, नहीं साडे ते अत्याचार करदियां रहिंदियां, अगे जे आप दे झंडे चक के तुरदियां ने ना, पे साडे हित लई नहीं चलदियां, सिर्फ आप दी वोट बैंक लई चलदियां, भाई आजाद खड़े हो जाओ, कम से कम होर कुछ नहीं तो तुहाडियां वोटां तां उहनां दियां टुट्टणगियां ही। उहनां नूं इह तां अकल आ जाऊ भी साडी आने वाली जिहड़ी पीढ़ी आपां उह बचाउण दे लई अगे खड़े आ। सो आप दे हक्कां लई लड़िया करो, कदी घबरायो ना। मैं एक गल जिहड़ी कही सी, मैं हर संघर्ष ना सब तो अगे हाँ, चाहे मेरे प्यो हूँ जेल जाना पवे मैं जावांगी। इदां दियां गंदियां सरकारां तो ना डरना, तो ना मैं डरदी हाँ। तो बाकी भी सब नूं यही बेनती करदी, आप दियां धीआं नूं, आप दे पुत्तां नूं, बच्चियां नूं अगे लियाओ। ये जालम सरकारां 70 सालां तो जे राज करदियां सिर्फ साडे ते, ये सानूं गुलाम बना रही। जे असी गोरियां दी गुलामी नहीं झली तो झलनी हुण सरकार दी भी नहीं आ। सो बहुत समा हो गया, सारे बहुत समय तो बैठे हुए सी। मैं सारे को दो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगती हाँ, जे कुछ मेरे को मेरी कोई गल किसी नूं ना चंगी लगी होवे तो मैं माफ़ी चाहनी हाँ। सो बड़े दिनों तो मैं बड़ी तशद्दुद भी झल रही हाँ, इसलिए हो सकता कुछ चीज़ा मेरे को इधर उधर भी हो गई हूँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। सिख धर्म की हर गतिविधि गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।